ले लिया था, ले लिया मैंने, ले लिया वो, ले लिया। हाँ वही ले रहा हूँ। बताते रहना। कैलाश जी एक हम लोग की फोटो करवा दीजिए एयरपोर्ट के, जाना हम लोग चार्जिंग सेशन के इनॉग्रेशन का करवा दीजिए, थोड़ा सा हम लोगों को एयरपोर्ट भी निकलना है। नहीं बट थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो अगर ये करवा देंगे फोटो भी तो क्या है पहले करा ठीक उधर जाना है मुझे, रुक जाओ रुक जाओ। सर नमस्कार, नीचे दानिश भाई माइक तो वही है ना, वो माइक वही है ना, रोड हमारा उससे आई सी सॉकेट 3-pin प्लग एंड ऑफ बोर्ड चार्जर से अंदर क्या है खोल के दिखा सर, सेंसर थोड़ा 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 कैमरा पीछे करना भाई, तो ये सारा मतलब मोबाइल के थ्रू स्टार्ट है, इन्हें स्टार्टेड है। ये आपका ब्लूटूथ की रेंज में होना चाहिए, ब्लूटूथ की रेंज में होना चाहिए। तो ये चार्जिंग स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। एंड व्हेनेवर कंप्लीटली चार्ज यू कैन डिसकनेक्ट द चार्जर अगर प्लग इट इनटू सेकंड बेस सेकंड। एंड व्हेन इफ इलेक्ट्रिसिटी गोज अवे टिल 8 आवर इफ द कनेक्टर इज कनेक्टेड इट विल डिटेक्ट इफ द कनेक्टर इज कनेक्टेड अगेन स्टार्ट चार्जिंग। और ये वाला जो है अभी ओईएम में देते हैं, ये ओईएम है, ये जो है वायर दिस इज कनेक्टेड से कनेक्टेड है, हां इधर से कनेक्टेड है सर, ये एक टाइप 2 एसी वाला है। यार आप पीछे पीछे हो जाओ प्लीज, सुनो संजीव थोड़ा पीछे आ जाओ, यार टीवी थोड़ा सा पीछे आ जाओ संजीव भाई, थोड़ा आ जाओ ना सलमान, मैंने बेटा थोड़ा इधर आ जाओ ना, वो ना कर यार शॉट बोल भाई, ये वो टॉप की टॉप है। Oh yeah, it's good. Oh, yeah.
थोड़ा इसको बंद करो ना एल सी टी नीचे बैठो नीचे बैठो नीचे बैठो सर इधर से सर 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 थोड़ा सर से बता तो देता नीचे गड्ढे में गिरा हूं मैं एक मिनट भैया थोड़ा जल्दी से तो थोड़ा सा नीचे करना अपना अब मुझे तो पकड़ भाई जाना कहीं से जाना फॉलो कर लेंगे सर वहाँ जी खुले माजी है खुले माजी था थोड़ा खुले में भाई अरे भाई पीछे आ जाओ यार सर पीछे जी थोड़ा सा और इधर पीछे आ जाओ भाई जगह नहीं है यहाँ पर सर बैकग्राउंड अच्छा है पीछे वाला ले लीजिए आ जाइए सर हाँ हाँ सर इधर इधर आ जाइए इधर आ जाइए सर अरे सही है ना बैकग्राउंड पीछे आएगा सबकी सुविधा अच्छी हो ना हाँ। अरे स्कूटी वगैरह खड़ी है ना हाँ वो स्पेस हो जाना किस तरफ कर लेना एक से इस तरफ सर का फेस इधर हो जाएगा हम लोग इधर हो जाते हैं ये हाँ हाँ अरे आराम से इतना क्या अरे घूम जाओ घूम जाओ अरे वो चाह रहे उस तरफ आ जाए ना तो पूरा कवर हो जाए इसलिए कहना दाढ़ी लगे फुल माइक लेके आए माइक नहीं हमारा लगा हुआ पोडियम में माइक है पोडियम पर माइक लेके आओ हाँ झूठ के जाओ अरे यार थोड़ा पीछे जूम होता है अरे 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 लखन क्या पता अरे मिश्रा जी का माइक सुनिए यार तो थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा पीछे कर लीजिए माइक नीचे करो यार माइक थोड़ा नीचे नीचे कर लो यार और सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में बनाना है उसी को आगे बढ़ाते हुए अलग अलग जगह इलेक्ट्रिक चार्जर्स को इंस्टॉल किया जा रहा है और अलग अलग मैनुअल चाहे वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है या जो RWS है उनके लिए किस प्रकार से वो जो दिल्ली सरकार सब्सिडी दे रही है चार्जर लगाने के लिए आज RWS का यहाँ प्रोग्राम है
यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं उधर कि RWA ने एक बहुत अच्छा स्टेप लेते हुए पूरे उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हुए इलेक्ट्रिक चार्जर यहाँ इंस्टॉल किया गया है, और दिल्ली सरकार की हर इलेक्ट्रिक जो चार्जर इंस्टॉल हो रहा है उसमें दिल्ली सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। और पूरे देश में अगर हम बात करें तो सबसे कन्वीनियंट और सस्ते में जो चार्जर लग रहे हैं वो दिल्ली में लग रहे हैं। और तो कहीं और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, चाहे जितने उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया है ताकि जो भी इलेक्ट्रिक चार्जर लगाना चाहता है, इलेक्ट्रिक चाहे वो एक चार्जर है या पूरा चार्जिंग स्टेशन बनाना चाहते हैं, ताकि उनको सिर्फ एक जगह जाके किस प्रकार से कम समय में वो अपनी एप्लीकेशन भी सबमिट कर दें, और जो जो कंपनीज इलेक्ट्रिक चार्जर लगाएंगी उनको ढूंढने के लिए उनको मेहनत ना करनी पड़े। तो पूरा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन प्रोसेस है, एक वेबसाइट पे जाके आज कोई भी चाहे वो हमारे दिल्ली का नागरिक है, चाहे RWA है, चाहे वो कमर्शियल मॉल का ओनर है, चाहे किसी हॉस्पिटल का ओनर है, चाहे ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जितनी भी मैंने चीज़ें बताई जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे मॉल्स हैं, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं, यहाँ जो भी व्यक्ति जाता है उसको काफ़ी समय वहाँ रुकना पड़ता है। तो उस दौरान या अगर हम ऑफिस की बात करें, ऑफिस कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो 5 से 6 घंटा जो है वो एम्प्लॉई उस जगह पे है। तो पूरा इकोसिस्टम और पूरा जो एक माहौल है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे सड़कों पर दौड़े, तो हम दिन रात मेहनत करके जो दिल्ली को इलेक्ट्रिक कैपिटल बनाना है उसमें लगे हुए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके माध्यम से ये सभी RWAs को अपील कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो अपने कॉम्प्लेक्सेस में, अपने कॉलोनीज में वो इस तरह के चार्जर्स लगाएं, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग, एक जो चार्जिंग की जो एंग्जाइटी है या मन में रहता है कि कहाँ मुझे चार्जर मिलेगा, कहाँ मैं अपना इलेक्ट्रिक वाहन जो है उसको चार्ज कर सकूँ, ताकि वो एंग्जाइटी जो है वो किसी के भी मन में ना रहे और दिल्ली की सड़कों पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए। सब्सिडी के बाद ये लगभग 2500 रुपये का पड़ेगा सर। सर्विस के लिए पहले 30,000 जो चार्जर लगेंगे उस पर दिल्ली सरकार की 6,000 की सब्सिडी है। सर 3 साल की वारंटी, ग्रीन एनर्जी से भी जोड़ा जाएगा सर जी? ग्रीन एनर्जी से भी जोड़ा जाएगा चार्जर बोलो पावर नहीं, वो अगर RWA करना चाहेगी या अगर कोई और भी करना चाहेगा। दिल्ली में सर अभी कितनी जगह पर लगाए जाएंगे इसके लिए क्या कर रही है क्या कि इतने दिनों में इतना? नहीं, हम तो बीच में आ रहे हैं। हम हमारा जो गोल है वो ये है कि 3 किलोमीटर की रेंज में कोई ना कोई चार्जिंग स्टेशन या चार्जर जो है वो बिल्कुल उपलब्ध हो, और इन सभी चार्जर को हम हमारा जो वन डेली ऐप है उस पर भी हम कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति उस ऐप पे जाके देख सके कि कहाँ चार्जर है और वो इनफैक्ट खाली है या एंगेज्ड है, वो भी उस पर चेक कर सकते हैं। सर सर्विस पॉइंट बन रही है, लेकिन इसके सर्विस के लिए क्या किया जा रहा है? मतलब अगर गाड़ी ख़राब होती है, पेट्रोल और डीजल के लिए हर चौराहे पर सर्विस सेंटर है और सारी चीज़ें हैं, इसके लिए क्या कर रही है गाड़ी? आप एक चीज़ भूल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन में जिस प्रकार से पेट्रोल या डीजल की गाड़ी में पूरा इंजन होता है, तो इसमें वो इंजन तो है नहीं, इसमें तो मेन जो चीज़ है वो बैटरी है। तो इसकी मेंटेन इलेक्ट्रिक व्हीकल की हमने जो अभी तक समझा है और देखा है उसकी जो मेंटेनेंस है वो पेट्रोल या डीजल व्हीकल जो हम IC इंजन बोलते हैं उसके मुकाबले मेंटेनेंस भी काफ़ी कम है। ट्रैपोर्ट पर आ जाते हैं, अपने ट्रैपोर्ट खोलना, ट्रैपोर्ट खोलो। हेलो of Residential EV Charging Guidebook by Dialogue and Development Commission of Delhi in partnership with WRA India.
I request Mr. Amit Agarwal to welcome our guest. Shri Jawaharlal Nehru, Honorable Transport Minister, Delhi. Shri Jasmine Shahji, Vice Chairperson, DDC, Delhi. Excuse me, आप लोग बैठ जाइए please. Sir, आप लोग बैठ जाइए. आगे sir, बैठ जाइए please. कर दिया मैंने वो I request Amina ji to please welcome Naresh Yadav ji, MLA, Delhi. Mrs. Badola. I request Mrs. Badola ji to welcome Sudha Sinha ji, President CGHS. Sudha Sinha ji. अच्छा अच्छा हाँ मैडम हाँ वी वेलकम श्री राजेश बंसल जी सीईओ बीआरपीएल रिक्वेस्ट अभिषेक अमित अग्रवाल जी टू प्लीज वेलकम हिम नहीं नहीं इनको करना We welcome Sudha Sinha ji, President CGHS. Rita ji. I request Rita ji to please welcome her. Rita ji. Ye aa rahi. Ab inko kaun karega? Inko karna hai. Suresh Goel ji. Suresh Goel ji. Inko. Kisi ko karna hai? प्रतीक पाठक I request Mr. प्रतीक पाठक जी to welcome Mr. Suresh Goyal from Urja. I request Mr. Amit Bhatt to share, start the keynote and also facilitate the presentation, the event now. Thanks a lot, Garima. Good afternoon, ladies and gentlemen. तो जैसा कि हमने देखा है पिछले करीब डेढ़ से दो साल में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का अपटेक दिल्ली में एक्सपोनेंशियली बढ़ा है. करीब एंड ऑफ 2019 of all the vehicles that were registered in Delhi, EV was less than 1%. और ये नंबर बढ़ के अब 9% पहुंच गया है. और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो 9% नंबर है ये भारत में तो सबसे ज़्यादा है ही. इनफैक्ट इफ यू कंपेयर एनी ग्लोबल सिटीज विच इज डूइंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी दैट 9% नंबर इज कंपेरेबल टू एनी ग्लोबल सिटी वर्ल्ड वाइड. So that is the massive uptake of electric mobility in India, and that would not have been possible without the effort of Delhi government, especially our beloved transport minister, Mr. Kailash Gehlot ji. तो जब electric mobility की बात होती है तो charging infrastructure की बात होती है. आप किसी से पूछिए electric mobility, they will say, but where will I charge? Currently, Delhi has close to 400 public charging infrastructure locations. But what is really interesting is that aap koi research dekhiye to usse ye malum padta hai ki on an average a car in Delhi is parked for 95% of the time. To agar hum charging ki baat karein
तो ऑलरेडी जब कार पार्क है तो वो चार्ज हो सकती है. इनफैक्ट दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई इफ यू लुक एट डेटा फ्रॉम यूएस इट सेज होम चार्जिंग अकाउंट्स फॉर 80-85% ऑफ द ओवरऑल चार्जिंग इन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो जो दिल्ली सरकार पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, बट इसके साथ साथ वी थॉट व्हाई डोंट वी वर्क समथिंग ऑन क्रिएटिंग चार्जिंग एट रेसिडेंशियल प्रमाइसेस. इनफैक्ट दिस लॉन्च कंसाइड्स विद थ्री इंपॉर्टेंट स्टेप्स दैट डीडीसी हैज टेकन विद WRI. सो लास्ट मंथ वी लॉन्च अ गाइड बुक ऑन हाउ कैन कॉर्पोरेट्स चार्ज डेवलप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड देन कपल ऑफ वीक्स बैक वी लॉन्च अ गाइड बुक ऑन हाउ कैन शॉपिंग मॉल्स डेवलप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. बट आई थिंक टूडेज लॉन्च इज प्रॉब्ली द बिगेस्ट ऑफ ऑल, बिकॉज इफ 80-85% चार्जिंग विल हैपन एट होम देन वी कैनॉट क्रिएट दिस ईवी ट्रांजिशन इफ वी डोंट डेवलप चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एट रेजिडेंशियल प्रमाइसेस. सो जो गाइड बुक आज लॉन्च होने जा रही है उसमें स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस बताया गया है कि कैसे आप प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे डिमांड एस्टिमेट कर सकते हैं, कैसे चार्जर सिलेक्ट कर सकते हैं और कैसे उसकी चार्जिंग डेवलप कर सकते हैं. सो दिस इज द लॉन्च विच विल हैव टूडे. बट आई एम वेरी एक्साइटेड दैट विद दिस लॉन्च वी विल कम्प्लीट द फुल 360 व्यू ऑफ डेवलपिंग होलिस्टिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिल्ली. तो इसको आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री जैस्मिन शाह, हु इज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन एज वेल एज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ दिस गाइड बुक, टू डिलीवर हिज ओपनिंग रिमार्क. जैस्मिन. माननीय परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी, माननीय क्षेत्रीय विधायक नरेश यादव जी, WRI इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट अमित भट्ट जी, जिनके साथ मिलके DDC ने ये गाइड बुक आज बनाई है, लॉन्च कर रही है, CEO BSCS राजधानी राजेश बंसल जी, जिनकी कड़ी मेहनत से, ये डिस्कॉम की कड़ी मेहनत से ये एक पूरी सिंगल विंडो फैसिलिटी आज दिल्ली देश में पहला शहर है जहाँ पे ऐसी एक सिंगल विंडो फैसिलिटी EV चार्जिंग के लिए खड़ी हो पा रही है. और अमित अग्रवाल जी, जिन्होंने मैं कहता हूँ कि लीडरशिप दिखाई, क्योंकि कई बार होता है कि जब प्रदूषण की बात होती है तो कई आइडियाज़ और डिबेट डिस्कशन होते हैं, लेकिन इन्होंने वाकई में ये गाइड बुक हम सोच ही रहे थे कि लॉन्च करें, उससे पहले इन्होंने चार्जर लगा भी दिया है. तो मेरे ख्याल से इन्होंने बहुत ही एक बेहतरीन उदाहरण सेट किया है. और आज जितने भी लोग, तमाम लोग इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, मीडिया के साथी, इन सबको मेरा प्रणाम नमस्कार. आज बहुत बड़ी खुशी की बात है, जैसे अमित कह रहे थे कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी दिक्कत की बात मानी जाती है. दुनिया भर में अगर हम देखें कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, तो वो इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उनको चार्जर्स दिख रहे हैं. उनको ये तकलीफ नहीं है कि अगर मेरी गाड़ी में चार्ज कम होगा तो मैं कहाँ जाऊँगा. और इसी को देखते हुए जब करीबन 1.5 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तय किया था कि दिल्ली को देश का ही नहीं, दुनिया का हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल बनाना है, देश के टॉप 5 शहरों की श्रेणी में दिल्ली का नाम आना चाहिए, तब उन्होंने ये अनाउंस किया था कि दिल्ली के हर एक 3 किलोमीटर सर्कल में हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा बनाएंगे. और इसके लिए सरकार अपनी तरफ से तो चार्जिंग स्टेशन लगाएगी ही, जिसको हम पब्लिक चार्जिंग स्टेशन कहते हैं, लेकिन हम प्राइवेट लोकेशंस में भी चार्जर्स को बढ़ावा देंगे और उसके लिए हम सब्सिडी देंगे. तब दिल्ली देश की पहली ऐसी स्टेट बनी थी कि जिसने डिसाइड किया कि हम सब्सिडी देंगे प्राइवेट चार्जर्स, जिसमें सरकार की कोई ओनरशिप नहीं होगी, लेकिन अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी RWA, कोई भी ऑफिस कॉम्प्लेक्स या मॉल ओनर या होटल रेस्टोरेंट, आप जो भी सोच सकते हैं, जो भी दिल्ली का निवासी है या बिजनेस ओनर है, अगर वो चार्जर लगाना चाहें तो वो सब्सिडी का फ़ायदा लेते हुए जल्द से जल्द ये चार्जर लगा सकें. तो ये एक शुरुआत 1.5 साल पहले हुई थी और कुछ ही महीनों पहले नवंबर में दिल्ली सरकार ने ये सिंगल विंडो फैसिलिटी लॉन्च करी थी, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जहाँ पे ये भी पहली बार हो रहा है देश में कि डिस्कॉम के माध्यम से आपको केवल वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन देना है और एक हफ्ते के अंदर, अमित जी मेरे ख्याल से सही होगा, एक हफ्ते के अंदर आपके चार्जर लग गए.
एक हफ्ते के अंदर ये रिकॉर्ड है देश में, आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा कि आपने अप्लाई किया, एक हफ्ते के अंदर आप चार्जर इनॉग्रेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा, और मैं बधाई देना चाहूँगा राजधानी BSES राजधानी की टीम को कि इसी मेहनत से वो लगे रहे हैं। केवल ये चार्जर नहीं, आने वाले जितने भी एप्लीकेशंस हैं उसको भी 7 दिन के अंदर हम निपटाते जाएं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सारे RW एसोसिएशंस के साथी भी यहाँ पे हैं, द्वारका CGHS से हैं, मेरे ख्याल से ईस्ट दिल्ली के भी एक RW एसोसिएशन से हैं, मैनी अदर्स RW मेंबर्स हु हैव जॉइंड। मैं उनको अनुरोध करूँगा कि वो सारे, जब तक हम इस चीज़ों में एक साथ मिलकर नहीं आएंगे, ये दिल्ली सरकार ने एक स्टेप आगे लिया है, लेकिन अब जो जिम्मेदारी है सारे RWAs की है, ऊर्जा की है, कि इस मॉडल को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। टारगेट बनाइए कि आपके हर एक मेंबर RWA को एक चार्जर या दो चार्जर, यहाँ पे दो चार्जर की शुरुआत हुई, मेरे ख्याल से दो चार्जर का मॉडल अच्छा है, 5,000 रुपये हैं दो चार्जर के, 2,500 रुपये हैं एक चार्जर के। और अगर हम इतनी बातें करते हैं प्रदूषण के लिए, तो ये एक छोटा सा स्टेप तो मेरे ख्याल से हर RWA ले सकता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, वापस इनको बधाई देना चाहूँगा, अमित जी को और इनकी पूरी टीम को, WRI की टीम को और DDC की टीम, जिसने बड़ी मेहनत से ये गाइडबुक बनाई है, बहुत ही डिटेल गाइडबुक है। इसमें हमें बहुत सवाल आते थे पिछले एक साल से कि RWA के मन में कि हम लगाना चाहते हैं, हमें आप गाइड कीजिए, लेकिन हम स्पेस कैसे लगाएं, कौन सा चार्जर लगाएं, कहाँ पर जाएँ। तो ये तमाम सवालों के जवाब ये एक गाइडबुक में हमने कंपाइल किए हैं, और इससे बड़ी सुविधा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट जैस्मिन। नाउ आई रिक्वेस्ट मिस्टर नरेश यादव, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, टू डिलीवर हिज ओपनिंग रिमार्क्स। नरेश जी, आदरणीय हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी, बंसल साहब और DDC के चेयरमैन भट्ट साहब, अमित अग्रवाल जी, और यहाँ पर बैठे हुए हमारे फेडरेशन के चेयरमैन राजेश पवार जी, सेक्रेटरी जनरल अमीना जी, RW के सभी हमारे पदाधिकारी, सभी प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज, वसंत कुंज से आए हुए सभी हमारे रेजिडेंट्स, और अलग अलग बाहर से भी आए हुए सभी क्षेत्र के लोगों को, सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। माननीय केजरीवाल साहब का सपना है कि दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हम सबसे टॉप पे रखें वर्ल्ड पर, तो उसके लिए जो आज ये स्टेप उठाया गया है रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर RWA के अंडर में, जो ये आज चार्जिंग स्टेशंस लगाए गए हैं, और दिल्ली सरकार की जो फैसिलिटी सब्सिडी हमें मिल रही है, उसके लिए मैं माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अभी मैं उनसे डिस्कस कर रहा था कि ये एक RW हमारी वसंत कुंज की है, सेक्टर ए पॉकेट बी, लेकिन वसंत कुंज के अंदर ही ऐसी RWA 40 हैं, तो 40 RWAs में हमने अगले एक हफ्ते में लगाना है, ये टारगेट लेके चलना है। क्योंकि आप समझ लीजिए 30,000 पहले चार्जर्स पर ही सब्सिडरी है, 30,000 के बाद में आपका 8,000 का लगेगा, अभी आपका 2,500 का लगेगा। तो राजेश पवार जी और हमारी जो पूरी फेडरेशन की टीम है, सभी RWAs के प्रेसिडेंट्स को लेकर, माननीय हमारे जो मंत्री साहब से जो सब्सिडरी मिल रही है वो उसका फ़ायदा उठाना है। इसके अलावा भी वसंत कुंज तो RWAs का ही एक पूरा स्थान है, जहां RWAs ही पूरी सारी कॉलोनीज को गवर्न करती है। हमारे साकेत एरिया में भी, वहां पर भी RWAs है, तो वहां के लिए भी मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं यहीं से ही कि सभी प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज को मेरा अपील है कि आप भी अपने 30,000 जो सब्सिडी मिल रही है उसमें आप अपना उसका फ़ायदा उठाएं। बाकी क्षेत्रों में भी जहाँ जहाँ मेहरौली विधानसभा के अंदर हम जो मैक्सिमम पॉइंट्स लगवा सकते हैं वो हम लोग कोशिश करेंगे और दिल्ली सरकार से उसका बेनिफिट उठाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से हमारे माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो एकदम से एग्रेसिवली जो काम कर रहे हैं, आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और चार्जिंग स्टेशन भी हर 3 किलोमीटर की रेंज पर, जो एक टारगेट है सरकार का, उसके ऊपर हमारे लगेंगे। मेरा एक छोटा सा सजेशन ये है कि एक स्थान पर ज़्यादा चार्जर लगाएंगे, अगर हम रोड साइड पे भी कहीं लगाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी भीड़ होगी, वहाँ पर आपकी पार्किंग की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अगर एक कॉलोनी में दो दो तीन तीन भी अलग अलग एरिया में लगाया जाए, थोड़ी थोड़ी जगह पे भी, तो उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, या रोड साइड्स पे भी, या कहीं जैसे हम लोग
ऑटो स्टैंड्स हैं उन पे लगा दिए, या हमारे बस स्टैंड के आसपास भी एक दो लगा दिए, तो उसका बेनिफिट्स मिल सकता है। या एक जगह हम 10-20 चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे तो वहाँ 10-20 गाड़ियाँ खड़ी होगी, तो फिर एक नई समस्या आएगी। तो ये मेरा एक सजेशन था। बाकी अमित जी का विशेष तौर पर धन्यवाद कि आज के इस कार्यक्रम को इन्होंने बहुत ही खूबसूरती की से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। और हमारे बंसल साहब आए हैं, सीओ साहब, ये तो हमेशा ही पूरी मदद करते हैं, सरकार के साथ तो जुड़े ही हुए हैं। इसके अलावा भी बंसल साहब का बड़ा एक पॉजिटिव रोल रहता है, जब भी हम क्षेत्रीय समस्या कोई भी बिजली से संबंधित कनेक्शंस किया वो करते हैं, तो इनका भी मैं मौका मिला है तो स्टेज से धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर आए हुए सभी हमारे मीडिया साथियों का भी धन्यवाद कि वो हमेशा आगे बढ़ के दिल्ली सरकार की जो भी अच्छी अच्छी पॉलिसीज होती है उसको जनता तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद नरेश यादव जी। नाउ आई थिंक वील हियर फ्रॉम द ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। अच्छा सर, बंसल जी का सर आप लॉन्च के बाद हैं। हाँ, सो रिक्वेस्ट द ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर टू डिलीवर दिस कीनोट। यहाँ उपस्थित सभी इस कॉलोनी में हैं या अलग अलग जो RWAs हैं वहाँ से सभी बुजुर्गण, मातृशक्ति, जितने भी यहाँ नौजवान मौजूद हैं और मंच पर हमारे दिल्ली के DDC के वाइस चेयरमैन जैस्मिन जी, जो कि एक थिंक टैंक हैं, किसी भी अच्छे काम के पीछे जो मेहनत करके सोच के सारी चीज़ें समझ के, और सिर्फ मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नहीं, तमाम सरकार की जो अलग अलग योजनाएं हैं उसके पीछे जैस्मिन जी का किसी ना किसी रूप में हाथ ज़रूर रहता है। अमित भट्ट हमारे साथ अलग अलग स्कीम्स में कंधे से कंधा मिलाकर WRI की तरफ से हमेशा इनका सहयोग मिला है। मिस्टर अमित जो यहाँ RWA के प्रेसिडेंट हैं, हमारे और मेरे साथी कुलीग नरेश यादव जी जो यहाँ के विधायक हैं, मिस्टर बंसल जो कि BSES के सबसे बड़े अधिकारी जिनको CEO कहा जाता है दिल्ली में वो हैं, और मैं समझता हूँ कि अलग अलग RWAs के जो यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं और उनके जो मेंबर्स हैं, मेरा सभी को नमस्कार। सबसे पहले आपको और स्पेशली यहाँ की जो RW है मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, पूरी दिल्ली सरकार की तरफ से। एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आई रियली वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट दी एंटायर RWA एंड दी रेजिडेंट्स ऑफ दिस कॉलोनी, क्योंकि मेरे ख्याल से चार्जर लगाना मुश्किल नहीं है, वो तो बता ही दिया, अमित भट्ट जी ने भी बता दिया, जैस्मिन जी ने भी बता दिया कि मात्र एक हफ्ते के अंदर ये चार्जर मेरे ख्याल से लग गया है। लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो सबसे ज़रूरी है, एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, वो है कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करना है या नहीं करना है, कि चार्जर लगाना है नहीं लगाना है। अभी मैं अमित भट्ट जी से यही बात कर रहा था कि तमाम मेरे ख्याल से हमने एड्स भी निकाले सरकार की तरफ से, हमने सोशल मीडिया भी बड़ा एग्रेसिव तरीके से हमने उसको फैलाने की कोशिश की है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं दिल्ली सरकार में एक मंत्री के रूप में यहाँ पे हूँ, लेकिन आप इसको कहीं भी वेरीफाई कर लीजिए, पूरे देश में किसी भी शहर में
जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट और रेजिडेंट्स को एनकरेज और उसको कन्वीनियंट भी दिल्ली सरकार ने किया है, मेरे ख्याल से किसी भी सरकार ने नहीं किया। और उसके पीछे कारण है, मैं बताऊंगा कारण क्या है। उसके पीछे कारण है, इलेक्ट्रिक व्हीकल तो एक पार्ट है लेकिन इसके पीछे एक बड़ा जो गोल है वो है पोल्यूशन को कम करना। क्योंकि आप सबको पता है कि जब दिवाली जैसे ही आती है उसके बाद, मैं उस ब्लेम गेम में नहीं जा रहा कि वो पराली जलाने से होता है या दिल्ली का अपना पोल्यूशन है, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन बड़ा गोल है कि जित एक व्हीकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो अगर सड़कों पे दौड़ेगा तो वो ज़ीरो एमिशन है। जो सीएनजी जो व्हीकल है उसमें भी कुछ ना कुछ पोल्यूशन रहता है, बट दिस इज़ एब्सोल्युटली ज़ीरो एमिशन। तो मेरा सभी रेजिडेंट से, और क्योंकि ये स्पेसिफिक RWAs को एनकरेज करने के लिए और उसी की जो हैंडबुक निकाली है, तो RWAs से मेरा स्पेसिफिक ये और स्पेशली जो हमारे माननीय विधायक हैं उनको ये गुजारिश है कि RWAs से मीटिंग करें। और जगह तो कुछ चाहिए नहीं, आपने देख लिया, वो छोटी सी मेरे ख्याल से 1.5 फुट बाय 2 फुट का एरिया है, उतना सा चाहिए एक गाड़ी खड़ी करने के लिए। अरे देखिए, मैं तो वसंतगंज में रहता आ रहा हूँ बहुत टाइम से, और मैंने जो ऑफिशियल बंगलो है उसमें शिफ्ट नहीं किया आज तक। आज भी मैं वसंतगंज में ही रह रहा हूँ और फर्स्ट फ्लोर पे है। तो मैं जब हमने गाड़ी ली, इलेक्ट्रिक व्हीकल ली सरकार की तरफ से, तो मेरे से पूछा गया भाई चार्ज कहाँ करोगे। मैंने कहा यार दीवार जहाँ पे है वहीं चार्जर लगा देंगे, और यही किया है एग्जैक्टली। नीचे जहाँ दीवार है वहीं चार्जर लगा दिया है और वहाँ पे बढ़िया तरीके से रात को गाड़ी चार्ज हो रही है। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अडॉप्ट करें ताकि पोल्यूशन जो है उसको हम कम कर सके। अच्छा मेरे से सवाल पूछ रहे थे मीडिया वाले कि जिनकी सर्विस कहाँ होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल की सर्विस कहाँ होगी। तो मैंने कहा यार सबसे जो ज़रूरत होती है सर्विस करने की वो इंजन होता है। मैंने कहा इसमें इंजन तो है ही नहीं, इंजन नहीं है तो फिर सर्विस की भी ज़रूरत कम पड़ेगी। और जितने भी हमारे जानकार जो दोस्त हैं या सरकारी जो डिपार्टमेंट्स में गाड़ी ली है, रनिंग कॉस्ट जो है किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की वो एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल या डीजल व्हीकल की उसके मुकाबले बहुत कम है। तो मैं एक बार फिर दोबारा आपसे सभी से यही गुजारिश करूँगा कि इस जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप चार्जर लगाएं ताकि किसी भी व्यक्ति को ये सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि यार मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल तो मैंने ले लिया, अब इसको चार्ज कहाँ करेंगे। वो जो चार्ज एंग्जाइटी है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत बिल्कुल है। और एक बार फिर दोबारा पूरी जो टीम है DDC की, WRI की, आई कॉन्ग्रेचुलेट द एंटायर टीम हु हैव कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स ब्रिंगिंग आउट दिस हैंडबुक। और फिर दोबारा एक बार इस पूरे प्रोग्राम की, और यहाँ पर जो प्रोएक्टिव होके RWA ने स्टेप लिया चार्जर लगा के, बिकॉज आई एम श्योर दिस विल एक्ट एज इंस्पिरेशन टू अदर RWAs की, अगर यहाँ लग सकता है तो फिर जो साथ में सामने जो सेक्टर डी है या सी ब्लॉक है या उसके उधर बी ब्लॉक है वहाँ भी इसी तरह के चार्जर्स। मुझे पूरा यकीन है कि अलग अलग जो RWAs के हैं, मैं माननीय विधायक को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी RWAs की मीटिंग यहीं करें थोड़े दिनों के बाद, ताकि वो खुद देख सकें कि बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। We would now formally launch the guidebook and I will request dignitaries to thank you, sir, for the inspiration behind
the Delhi EV policy as well as why we should shift towards electric vehicle. Launch ke baad humne Rajesh Bansal sir ka speech rakhi thi because we thought we will hear a lot of kind of reactions ki hame bhi karna hai, hame bhi karna hai. Aur jab bhi hum is sab baat sunte hain to ek sir question aata hai ki itne electric vehicle aa jayenge to electricity kahan se aayegi. So usko thoda sa address karte hue and your thought on setting up charging infrastructure. So request you to deliver your opening remarks, sir. माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री कैलाश गहलोत जी, माननीय जसमीन शाह वाइस चेयरमैन दिल्ली डायलॉग कमीशन, श्री अमित भट्ट जी एंड श्री अमित अग्रवाल जी, प्लस यहाँ पे उपस्थित सब लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सबको मेरा नमस्कार। बीआरपीएल की तरफ से आप सबका अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा वसंत कुंज आरडब्ल्यूए को कि दिल्ली के अंदर सर्वप्रथम आरडब्ल्यूए के अंदर उन्होंने अपना एक प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन लगाया और ये सब बधाई के पात्र हैं। और मैं भी अपने आप को ऑनर फील करता हूँ कि मैं भी इस जो इसके लिए इनवाइट हुआ और इसको मैंने साक्षात देखा। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।